अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, असी बैठे सा दफ्तर दे विच तो हमें एक पैगाम आया कबाबश वाले जो उस्मान भाई हैं उनका, कि जी नीचे कोई मियाँ बीवी आए हैं दो लोग लाहौर से आपसे मिलने। तो पहले भी बहुत लोग आते हैं सुबह शाम दोपहर, यानी कि आते जाते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आपसे मिलते हैं, साथ उनसे ज़रा शुगल मेला करेंगे। साथ वो इतनी दूर से आए, उनसे पूछेंगे भी क्यों की गल आ। आज जी नाज़रीन, वैसे मैं एक प्रोग्राम भी सोच रहा शुरू करन दा, इदां दा वो भी मैं तुहाडे नाल डिस्कस करदा। मेहमान आजा काशी, अल्लाह खैर ही करे, दिल करे मेरे रिश्तेदार ही निकलन, कहना हम तो मजाक कर रहे थे, देखा भला तू मिलना कि नहीं सानू। क्यों मेरे इंतजार च बैठे ने? वाओ, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, आ जाए इधर, आ जाए इधर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, क्या हाल है? ऐ असल फसाद दी जड़ा, लाहौर से हैं आप? जी बिल्कुल भाई। क्या क्या मेरे में क्या ऐसा? रास्ते में थे हम भाई, तो इन्होंने कॉल करके बात कर ली, इन्होंने कहा ठीक है मुलाकात हो जाएगी, इतने खुश। मैंने कहा आपसे इसी बताया, आपकी जानी की टीम से बात हुई है ना, इन्होंने कहा है जी। ये रोज फोन पता क्या करता है, पाए ने एक लड़की मिलन आई है, पाए ने एक लड़का मिलन आया, पाए ने एक मियां बीवी मिलन आए ने, पाए ने एक मां पुत मिलन आए ने। अच्छा फिर जो तो मैं को कहना यार भी पाइन मिल लो, चलो कोई नहीं पाइन मिल लो, चलो पाइन मिल लो, बेचारे रेडी करो तो क्या करना, मुलाकात आई है तेरी। आहो अच्छा भाई, मैं क्या मुड़के उन्होंने फीलिंग आया, मैं पता नहीं अंदर है ये बाहरों, मैं कह रहा हूं मैं कैमरा भला क्यों लेके आए जी भाई, कि पता नहीं लगता आजकल भाई 100 सज्जन 100 दुश्मन। हां जी ऐसे ही है, लेकिन नहीं सर जी तुसी मेरा वीडियो बना के तो जा कह दो जानी ने मेरी बुड्ढी ने छेड़े। नहीं नहीं ये ताड़ी नो है, ये मेरी ओ कैसा नाम है, ये मेरी की है। अच्छा लाहौर किथे रहंदे हो? मुगलपुरा से आगे। अच्छा इन्ने आर्टिस्ट ने, मेरी भैन जी भाई, इन्ने आर्टिस्ट ने थे पाकिस्तान च जी, ते मेनू ही क्यों मिलन, मतलब फैमिली शो है भाई, आपको शायद हमें देख के लग रहा हो कि मतलब अजनबी बंदे से, लेकिन हमें देख के नहीं लगता वो आती है। खुद तो शो देखते हैं, मुझे भी दिखाएंगे, ये देखो आ गया शो, तुम ये सीन देखो, तुम अच्छा ये सुनो। मैं ना 5-6-7 दिन से ना, मैं आपको सही एक बात बताऊँ, पता नहीं कोई अल्लाह की करम नवाजी है, कोई वो ना जब रास्ते वो खोल देता है मेरे लिए, हमेशा उसकी बड़ी करम नवाजी रही है। अच्छा मैं ना 8-10 दिन से सोच रहा हूँ उस्मान भाई कि मैं एक शो शुरू करूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं, रिश्तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, निभा जो है ना वो बहुत कम हो रहा है, रिश्तों की कदर कम हो गई है, बहुत 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 सारे मसाइल हैं और उसकी वजह से तलाकों की रेशियो भी बहुत बढ़ गई है। इंग्लिश की कहते हैं डाइवोर्स, डाइवोर्स रेशियो, हाँ डाइवोर्स, हमारे इधर डाइवोर्स का अड्डा भी है, ते वो ना इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि यार आज मैंने वो सेट डिजाइनर को भी फोन किया लाहौर, कि ना मैं जो सच्ची मुझे जिस तरह आप मियाँ बीवी हैं जी बिल्कुल, मैं अपने चैनल पे कहूँ कि जी दो मियाँ बीवी है एवरी वीक मुझे चाहिए मेरे शो में, एक शो करूँ उसमें दो मियाँ बीवी बैठे हों, रियल असल फेक नहीं, एक्टर नहीं, जिस तरह आप है जी, इस तरह ही, और सामने फैसल नाम है और कुछ छोड़ा चिट चैट भी हो जी। और मैं आप हर मियां बीवी के जो लाइफ स्टाइल है, मसले हैं, वो नाजरीन तक जाए और उससे हो सकता है कुछ इस्लाह हो जाए, उनसे पूछे, क्योंकि हर मियां बीवी की एक अलग स्टोरी है ना, मिली नहीं सकती स्टाइल दूसरे। अभी रिसेंटली एक शो जिसमें आपने वो कहा था कि बीवी अगर वक्ती तौर पे खामोश हो जाए उसके बाद जो मर्जी बनवा सकती, सुना था? मतलब शो ये ना कराया करो, मतलब क्यों भैन की गल हूँ आपको बोल पवे तुम नहीं, मतलब वो बाद जो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नहीं 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 यार देखो ताड़ा गुस्सा उन्हें बर्दाश्त किया, नजायज भी बंदे अक्सर बोलते ने, ऐसे वो तरीका मैं दसे ना अपनी भैनों के इदा गेड़ा दे लो, लिटरली होता है कि मैं चुप कर देती हूं बाद में फिर मनवा देती हूं सारी। हां ये गुड, यही बात है, वो बेवकूफ औरतें होती हैं जिहड़ियां बंदे दे कोई दलीलां देनी शुरू कर दिंदी ने, वक्त नु ना जिस तरह उर्दू च कह लो के ताल पंजाबी ताल ना लफ्ज होता, हां तकाल आना है बस, देखो ना गुस्सा भी एक मुश्किल टाइम होता है, मुसीबत वाला वक्त होता है, उसको किसी तरीके ना गुजारना ऐसे ही है। अच्छा दूसरी गल है, मर्द के अंदर मेल के अंदर पाए बॉर्न ओदी नेचर च कुछ चीजा ने ईगो, कि ओ कहंदा है कि जदो मैं बोलता हुआ तो मेरी बीवी ना बोले, मेरे आगे से ना कोई बोले, ये मर्द के अंदर है चीज, वाकई है। तो अगर औरत और औरत
अगर ये समझ आए इस बात को कि चल यार ए जड़ा वड्डा बनन दी है मैं मेहनत कर रहा ना मैं 2 मिनट बन लैन देनी कोई गल नहीं उस बाद मैं इनू दसांगी फिर पता ऐसे ही है तो कोई मसला अगर औरत आगे से बोलना शुरू कर दे तो फिर बहुत कुछ हो जाता है इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं प्रोग्राम शुरू करना है उसमें मैं 2 मियां बीवी जो बैठे होंगे बिल्कुल आपको करना चाहिए मैंने यही उनसे पूछना है कि कहां कैसे शादी हुई अरेंज मैरिज है लव मैरिज है तकेशाही दी शादी है कि ताडी मतलब एवें ही मतलब हुंदा ना कई बंदे तकेशाही टाइप का तकेशाही तक है हां और उसमें फिर घर में कौन कौन अच्छे लगते हैं कौन कौन नहीं अच्छे लगते इससे जो हमारी देखने वाले ना लोग उनको जी, जी। बहुत कुछ मिलेगा ऐसे ही और फिर हम उसकी वजह ढूंढेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है जी, ऐसे ऐसे तो ये मैं प्रोग्राम जो है ना इंशाल्लाह कोई 15-20 दिन में महीने में ये मैंने शुरू करना है और फिर आपने आना है फिर उस प्रोग्राम में गेस्ट बन के आना है बेगम से पूछती है कि खाना कैसा बनता कहता तू भी लड़ाई दे बहाने ही लभदी रही मैं कहा नहीं अच्छा 3 साल में पहले रिश्तेदार भी थे आपस में नहीं ओबड़ है आप यू नो ओबड़ लव मैरिज है जी एंड कोनू लगी या अन्नी तू हो गई की मेरे स्टैंडर्ड दी नहीं ये कर चल के बता दूंगी मैं की गल सी तनु की गल को काल पै गई सी एक मुंडिया दी की गल सी वो कहते हैं ना फिर लिखा बोर्ड पढ़ लिया सी की गल सी मतलब तनु की ऐसा को बदवा सी घर दियां दी सताई नहीं है सुनो नक्शरैन सारे सुने मजाक कर रहे हैं शादी से पहले कितनी देर का ताल्लुक रहा है यानी बात विद इन 6 मंथ हम मिले भी हमारी एंगेजमेंट भी और हमारी शादी भी 6 मंथ के अंदर जी प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है हां जी बिल्कुल अच्छा 6 महीनों में मिले भी अंडरस्टैंडिंग भी हुई प्यार भी हो गया पहले इजहार किसने किया था बाहर को चवल नहीं मारी सीधा आके मैनू कहा मतलब वसाएगा कुड़ी नु ठीक है अच्छा आपको बता के क्या था घर गए की मैं कंपाउंड जा रहा अच्छा इन्हों भी दस्यो बगैर मां काबू की जाते हैं सीधा सस अटैक मैं एक टीचर था मेरा ना पहले से रूल हमने देखा हुआ था कि बच्चे को ना ग्रैब नहीं करना अकेडमी में रखने के लिए उसके पेरेंट्स को ग्रैब करें बच्चा तो इतने ही रहेगा है अच्छी गल है बल्कि 2 नाल और भी आएंगे है अच्छी गल अच्छा अच्छा आप टीचर स्टूडेंट थे पहले या ये भी टीचर थी ये मेरी स्टूडेंट ये स्टूडेंट थी बीकॉम पास लो जी मैं तुम्हें दस दा भी एक एड्डा वड्डा अज के दौर का मसला है पहले टीचर होंगे ताया बू लगते दादा बू लगते हूँ टीचिंग हूँ बहुत सारिया शादियां टीचर स्टूडेंट हो रही ने क्योंकि टीचर 6-7 साल का पढ़ना शुरू किया 14-15 साल च मैट्रिक कर ली 18-20 साल के उस तो अगर 22-23 साल चो बंदा फुल लाइफ का एक सिस्टम हो जाता साडा दौर यह कि पहले 6 साल सिर्फ टाटा ने बह के अलीबे पढ़ी है और उसका फिर वजह क्या है कि जब आप 18-20 साल में आपने साथ टीचिंग शुरू कर ली तो आगे जो स्टूडेंट्स फीमेल्स है वो भी कोई 16-18 साल तकरीबन तो फिर वो क्या लेकिन ये अच्छी बात है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने शादी कर ली लेकिन इस साल में बहुत कुछ गलत हो रहा है बिल्कुल ऐसे हो रहा है बहुत कुछ अच्छा ये भी नहीं है कि टीचर ही फीमेल स्टूडेंट पे लाइन मारते हैं या जो नहीं नहीं सर फीमेल्स की तरफ से भी आ जाता है कभी कभी मोस्टली ऐसा अच्छा क्या उम्र छोटी होती है जी लड़की की उम्र छोटी होती है 18-20 साल अट्रैक्ट जल्दी कर जाती चीज टीचर क्योंकि मैच्योर होता है एक उसकी बातचीत अच्छी होती है तो वो उसको भा जाता है उसको जी बिल्कुल तो इसमें भी कोई इशू नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से शादी कर ले तो कोई इशू नहीं है आपने किया ना मैं अगेंस्ट थी इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी लेकिन जब कहते हैं ना किस्मत में लिखा हो तो हो जाती किस्मत जो तो लिखा हुए बेड़ा गर्क होना है ना मुंडे का अच्छा आप टीचर है माशाल्लाह अच्छा ये सीधे आपके घर गए आपकी अम्मी को बोला गया जी शादी करनी है उस वक्त अम्मी ने क्या रिस्पॉन्स उससे पहले मैंने मतलब उससे पहले इनकी अम्मी से मुलाकात थी आपकी हाँ जी उससे पहले भी मैं होम ट्यूशन देता था होम ट्यूशन दे अच्छा आपने कहा जी के माँ जी के ये
मेरा ये प्रोग्राम है। हाँ जी, ये फतूर है मेरे जेन में बहुत पढ़ा रहे कि मैं मुझे लग रहा है कि ये टीचर नहीं होनी, ये स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए, टीचर होनी चाहिए मेरी। हाँ जी, ये मुझे बताया कि चल एनू एनू एन, ये मुझे चलाए, मैं ये चाहता हूँ। हाँ, उन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्स जो था उनका वो क्या था? मैंने इस तरह कहा था ना डके छुपे अल्फाज में कि मैं अपने वालदेन को आपकी तरफ भेजना चाहता हूँ। अच्छा। तो समय की उन्होंने कहा किस लिए, तो मैंने कहा वो आपसे मिल के बात कर लेंगे, जो भी उन्होंने वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, मतलब डके छुपे। उन्होंने कहा चलें जैसा भी। वो ईद से तकरीबन ये 5-6 दिन पहले की बात थी। तो फिर हुआ ये कि 27वीं वाले दिन मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग टूट गई। अच्छा। फिर वो प्रॉपर मतलब आ नहीं सकी वो, मतलब तो फिर मेरे वालिद और मेरी फुफो आए इनकी तरफ। तो मतलब कॉल पे मेरी अम्मी ने बात कर ली थी, उन्होंने आपकी स्टूडेंट का हाथ मांगा। हाथ मांगा ही कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल है। हाँ जी, आप ये सब होने के बाद आपके पेरेंट्स में जी आपकी, जी आपके पेरेंट्स आपके इस फैसले से सेटिस्फाइड? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपको भी लग रहा है कि कोई इस तरह? तो फिर मेरा यही एक मैसेज, अब हम दोनों जो भी साथ करते हैं, हम दोनों घूमते फिरते साथ हैं, बहुत रीजनेबल, बड़ा अच्छा वे और शॉर्ट शॉर्ट कमरा दे के प्रोलॉन्ग नहीं होता। अगर वालदा ना गल कर दे, इहदे नाल गल कर दे, ये को फिर कहती नहीं ये क्या प्लान, किसी के जेन में कोई गलत बात आ जाती कि यार ये क्या कर रहे हैं। हाँ, अलग ठीक है ना, शायद उसे भी ये चीज अच्छी लगी होगी यार। बिल्कुल ऐसे ही था, मुझे खुद कि ठीक है जैसे रिस्पेक्ट देनी होती है वो इसी तरह देता है। जो मेन चीज है ना कि दोनों तरफ स्टेटस बराबर था एक जैसा। अच्छा जी, चलो बड़ा अभी ठीक जा रहा है। 3 साल में कुछ सबसे जो हाई लेवल लड़ाई हुई हो वो कौन सी है, जो अब तक की टॉप 10 में खड़ी है? कोई एक दस, ज्यादा नहीं, कोई एक 10 में। और किस बात की हुई थी? जब एक लड़की ने इनको लाइन मारी थी। स्टूडेंट थी वो? नहीं नहीं, कलीग थी। कलीग थी ऑफिस में, इवन हम साथ साथ थे ना, उसे नहीं पता था ये मेरी वाइफ है। रिश्ते नु क्लिक लाती यार। नहीं नहीं, उसे नहीं पता था मेरी वाइफ भी इसी ऑफिस में है, मतलब। अच्छा, उसे नहीं पता था? हाँ जी। तुमने भी नहीं बताया कि जरा ध्यान ना? नहीं भाई, फिर लग गया ही पता। तेनू क्यों नू? तेनू भी लग पता गया? हाँ। अच्छा, आपको जब पता चला क्या रिएक्शन था? मैंने कहा था मैं अपने बॉस को कॉल करूंगी, तो मुझे क्योंकि वो इन्हें छोटी बहन, वो मुझे छोटी बहन, तो कहती मैंने जी भाई को बताना है, तो फिर मैंने। अच्छा, कुछ चक्कर सी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसकी तरफ से था, इधर से नहीं था। उसकी तरफ से था क्योंकि मैंने मैसेज पढ़ लिए ना सारे। हाँ, ये ऐदा दी उन्होंने शादी सेलिब्रेट करांगे, तुसी समझना कि वीरा दी हुणे शादी हुई आ, ते मेरे दो करैक्टर, मेरे दो अनमोल पांड किधर है? काशी फरीद जी, लो जी, ओ फिटे मुंह, ओए आई जरा, ओ फरीद काम आ गया, फरीद कहता फरीद काम आ गया, ओ काम आ गया, काम आ गया, काम आ गया, जोड़ा आ गया, जोड़ा नवा भाजन है, मेरी भैन आई, मेरा भरा आया लाहौरों, नवी नवी इहनां दी शादी होई है, बिस्मिल्ला। सिर नू सजाया लाके फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां, आंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, आंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां, तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां। जलतियां तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां, तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां। चलो भी चलो, शाबाश। ये हैगे ने भाई, तड़को हैगे मेरे पास, ये तस्दीक बड़ा, ये कड़ी गल्ला तोडे मेरे को, ये हैगे ने ना, ते तड़े तो अलावा भी पीछे दो होर हैगे ने। चलो चलो, शाबाश। लो जी नादरीन, कैसा? जबरदस्त, ठीक है। हां जी, ए पॉइंट तुहाडी नजर आ जाते, हां ए तुहाडी बचत है। ओए ओए ओ जा, देख उस्ताद जी, 1 मिनट मैं देना, ओरे मेनू दिखाओ,
मैं वंड के देना ठहरो ठहरो मैं वंड के देना भाई गल है कि दोवें तुसी कठे आए हैं मैं बजाया नहीं हैगा उस्ताद जी वेखो सब तो मैं गाण भी दिया से नाल मेरा दोहरा बनदा वा ठहर जी 10 20 30 40 50 60 70 मेहमान की सोचणगे लख लन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 3 4 5 6 ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਈ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 3 4 ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਔਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੰਡ ਪੈ ਬਣਨਾ ਵਾ ਲਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਲੈ ਆ ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੋ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟੀ ਤਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਹ ਉਹ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ ਸਟੈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹ ਬਾਜੀ ਵਾਲ ਵੀ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਵੇਲਾ ਪੁੰਗਰ ਪੈਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਵੈਸੇ ਲਾੜਾ ਆਹ ਵੇਖ ਲੋ ਆਹਾ ਛੋਟੀ ਚੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲੋ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਧਰ ਹੈ ਨਾ ਲਾੜਾ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਲਾ ਕਰਵੇ ਦੁੱਲੇ ਰਾਜਾ ਲਿਆ ਦੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੋ ਬਗੈਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ ਆਹਾ ਸੋਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ कोई जुगत का मजा आया नहीं ना आया तक एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह डेढ़ सौ एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह मैं बगैर हाँ हलो चलो चलो छाप चलो अपना दो चलो चलो रल खाओ भंड खाओ कट्ठे खाओ भंड खाओ चलो लो जी ठीक है भाजी फैसल साहब हो बाजी मिलन आई है अस्सलामुअलैकुम ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਜੀ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਆ ਮਿਲਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਆ ਲਵੇੜ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ स्टूडेंट मेरी क्यों नहीं ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਨੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਨੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਨੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਵ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਨੋਵ ਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਵ ਆ ਭਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਹੀ ਜਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ शैंपू शायद अचार कुछ नहीं मंगाउंदा तू शैंपू मंगाया शैंपू ओके लिया किन्ना मेरे अबू दे वाल टूट गए सी इन्ना दा शैंपू यूज कीता सी इहदे अबू दे वाल जिन्ने तोड़े आ ना मैं उहनू शैंपू दित्ता इहदे अबू दे वाल ठीक हो गए हां जी हां जी हुण तुसी की लैणा वा सही 150 रुपया डेढ़ सौ तू कहता लेना उन्होंने तो मेहनत की थी यार तू कहता लेना डेढ़ सौ मैं उंजी लेना हैं मैं उंजी लेना उस्ताद जी चलो
ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕੈਸਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਗੋਦ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਲੋ ਪੰਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਆਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸੌ ਸੀ ਖੋਤਾ ਘੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ओके इंशाल्लाह मैं वो प्रोग्राम शुरू करूंगा ना फिर आज एक गेस्ट आपको मैं बुलाऊंगा नोट पाटा उस्ताद जी हैं नोट पाटा है उस्ताद जी पूरे ने 150 चलो फिर निकलो शाबाश चलो शाबाश चलो हुन अगो निक्के भरा ना भेज दी आहो ठीक है जी ठीक हो ओके थैंक यू कुछ भी खाना पीना है ना वो नुक्कड़ पे उस्मान भाई का होटल है वहां से जो मर्जी खा पी जाना ठीक है जो दिल करे जी जो दिल करे खा जाना चलो जी हस तो सही थोड़ा ओए ओनू कहने आ चल चलो जी अभी थोड़ा कबाबश दे ना उस्ताद जी दा नाम लेके पैक बुक करा लेंगे पिज्जा